वचन रूपी ठीक है सुंदर वचन रूपी मोतियों की माला ठीक है मौक्तिक मोती ठीक है जो हमारे जो हम जितनी अच्छी बातें करते हैं उन अच्छी बात बातों का माला रूपी ठीक है मोतियों की माला रूपी जो समूह है वही क्या है सुक्ति मौक्तिकम कहलाता है संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है इसमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं जिसमें जिनमें सदाचरण की महत्ता प्रियवाणी की आवश्यकता परोपकारी पुरुष का स्वभाव गुणार्जन की प्रेरणा मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है सु तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी यह सुक्ति मोक्तेकम नामक चैप्टर है तो इसको एक बार पढ़ते हैं और एक एक करके इसके अर्थों को और इसके अंदर जो व्याकरण युक्त चीज़ें हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे तो पहला जो श्लोक है पहला जो सुभाषित है जो सुक्ति है वो मनुस्मृति से ली गई है मनुस्मृति के बारे में हम सभी जानते हैं हमारी जो राज महाराजा मनु हुए थे जहाँ से हम जिनका हम संतान हैं सभी ठीक है मनु से ही हम मानव बने हैं उन्हीं मनु की स्मृति में मनु के द्वारा लिखी गई यह ग्रंथ है कि समाज कैसा होना चाहिए समाज में जो व्याप्त व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से होनी चाहिए आदमी का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं तो उन्हीं से एक जो महत्वपूर्ण श्लोक लिया गया है कि वृत्तम यत्न संरक्षित वृत्ततस्तु हतो हतः तो मनुस्मृति कार्य लिखते हैं कि वृत्तम यत्नेन संरक्षित यानी कि वृत्तम वृत्त कहते हैं चरित्र को और वित्त कहते हैं धन को ठीक है तो वृत्तम और वित्तम दो शब्द हैं तो वृत्तम यत्नेन संरक्षित वृत्त की चरित्र की हमें प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए क्योंकि वित्त मेति चयाति च वित्त जो है पैसा जो है वो आता जाता रहता है अक्षीर्णो वित्ततः क्षीर्णो हतो हतः तो कह रहे हैं कि यदि धन नष्ट होने से कुछ नष्ट नहीं होता अक्षीर्णो वित्तता क्षीर्णो मतलब न क्षीर्णो क्षीर्णो यानी कि वित्तता यदि क्षीर्ण हो यानी कि वित्त यदि समाप्त हो गया तो अक्षीर्णा कुछ भी समाप्त नहीं हुआ समझो फिर आ जाएगा लेकिन वृत्तु हतोहत तो यदि वृत्त समाप्त हो गया आपका चरित्र गिर गया आप अपनी नजरों में गिर गए ठीक है आपका चरित्र कैरेक्टर लेस हो गया आप तो हतोहत मानो वो मृत्यु तुल्य हो जाता है उसका ठीक है उसका जीवन फिर किसी काम का नहीं है मानो वो मर जाता है ठीक है तो इसलिए हमें प्रयत्नपूर्वक अपने चरित्र की अपने करेक्टर की न, क्या करनी चाहिए उसको बचाए रखना चाहिए करेक्टर जो हमारा हो वो अच्छा होना चाहिए ठीक है तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए तो कौन कौन शब्द थे वित्तमेति वित्तम धन एति वित्तमेति ठीक है अक्षीर्ण मतलब नक्षीर्ण इति अक्षीर्ण ठीक ये दो शब्द थे वृत्तस्तु वृत्त धन तु कौन सा संधि है इसमें है विसर्ग संधि ठीक है इस प्रकार से पहला श्लोक दूसरा है श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुवाच व्यता आत्मन प्रतिकूला परेशा न समाचरे तो कह रहे हैं कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व यानी कि धर्म अर्थात कर्तव्य के सार को सुनो और सुनकर ही धारण करो श्रूयताम धर्म सर्वस्व मतलब धर्म के जो सार है कर्म का जो सार है यानी कौन सा कर्म हमें करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए किस कर्म को करने से क्या फल प्राप्त तो होता है ठीक है यानी कि कौन सा सही कर्म है कौन सा गलत कर्म है इसको जानने के बाद ही उसे हमें क्या करना चाहिए सुन करके ही धारण करना चाहिए ठीक है उसको समझना चाहिए करना चाहिए क्योंकि अपने विपरीत ठीक है अपने विपरीत जिन कार्यों को समझते हो उन कार्यों को ठीक है दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं लाना चाहिए कि है आत्मन प्रतिकूलानी कारण क्या है कि आत्मन प्रतिकूलानी बनते जो चीज़ हमारे लिए गलत है जिसको हम समझते हैं कि ये मेरे लिए गलत है ठीक है जो भी व्यवहार हम समझते हैं व्यवहार कर्तव्य ठीक है परेशान समाचारित उनको हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए जिस जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता ठीक है तो व्यक्ति जिस कार्य को अथवा आचरण को अपने लिए ठीक नहीं समझता उसे वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए बात है ठीक है क्योंकि आत्मनह प्रतिकूल आने का मतलब वही है जो आत्मना मतलब हमारे लिए प्रतिकूल आने प्रतिकूल है अच्छा नहीं है परे सामने समाचार तो उसको हमें दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए विदुर नीति में यह लिखा गया है विदुर नीति से लिया गया विदुर नीति हम जानते हैं विदुर कौन थे महाभारत में जो अंबा अम्बालिका थी ठीक है उन्हीं के एक पुत्र दासी पुत्र इनको कहते हैं ठीक है उनकी उनसे अलग उनकी जो दासी थी उस दाशी के पुत्र थे विदुर लेकिन बहुत ही विद्वान थे ठीक है तो विद्वान होने के साथ साथ वो क्या थे महामंत्री थे किसके धृतराष्ट्र के महामंत्री थे इसीलिए थे क्योंकि वो हाँ बहुत विद्वान थे सही और गलत की उनको फर्क थी तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई विदुर नीति का एक श्लोक है श्रीयताम धर्म सर्वत्म तो विदुर कहते हैं कि हमें सबकी धर्म सब धर्म की बातें सुननी चाहिए नहीं कर्म की बातें सुननी चाहिए धर्म से मतलब कर्म करणीय कार्य ठीक है फिर सुनने के बाद ही जो हमें उचित लगता है वह उसको हमें जीवन में धारण करना चाहिए ठीक है जैसे कहा कि आत्मन प्रतिकूलानी आत्मन प्रतिकूलानी हमारे लिए जो सही नहीं है प्रतिकूल है उसे हमें दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं लाना चाहिए ठीक तीसरा श्लोक चाणक्य नीति का है क्या कहते हैं कि चाणक्य हम सभी जानते हैं ठीक है अर्थशास्त्र के प्रणेता हैं बहुत बड़ा बहुत बड़े राजनीतज्ञ हुए हैं भारत राष्ट्र को भारत राष्ट्र बनाने वाले कहीं न कहीं कौन थे चाणक्य ही थे जिन्होंने बताया कि भारतीयों में भारतीयों को अपने ऊपर गर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है चंद्रगुप्त जैसे सामान्य बालक को उन्होंने राजा बनाया तो ये उनकी बुद्धि चातुर्य ठीक है राजनीतिक समझ थी तो वही कहते हैं कि प्रियवाक्य प्रदान नर्वे तुष्यंति जंतव तस्मात्व वक्तव्यम वचन एकादरिद्रता कहते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदान है ना सर्वे तुष्स यंत यानी कि प्रिय बोलने से सभी प्रकार के जो प्राणी हैं वो संतुष्ट होते हैं चाहे वो कोई भी प्राणी हो ठीक है अगर अच्छा व्यवहार हम किसी भी प्राणी के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्रसन्न होता है तुष्ट तो संतुष्ट होता है तस्मात तदेव वक्तव्यम वचन एका दरिद्रता इसीलिए व्यक्ति को वैसे ही वचन बोलने चाहिए तस्मात् तदेव वक्तव्यम ठीक है तद एव तत धन एव तदेव वैसे ही वचन बोलने चाहिए एक का दरिद्रता बोलने में क्या दरिद्रता कंजूसी दिखा ठीक है तो वो बोलने में कंजूसी यानी कि जो अच्छे वचन बोलने में जिससे हम किसी का भला कर सकते हैं ऐसे वचनों को बोलने में कंजूसी हमें नहीं करनी चाहिए ऐसा चाणक्य कहते हैं अगला श्लोक है पिबंती नद्य स्वये नाम स्वयं न खादी फलान वृक्षा नादी स्यलु वारिवा पर शाम विभूत तो सुभाषित रत्न भाडागारम ये एक सुभाषितों का क्या है संग्रह रूप एक किताब है वहाँ से यह श्लोक लिया गया है सुभाषित दिया गया है कहते हैं कि पिबंती नद्य स्वयं नाब तो जो नद्य नदियाँ हैं वो अपना जल स्वयम न अंब पिबंती नद्य स्वयमें अंब न पिबंती। यानी कि जो, जो नदियाँ हैं अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं फिर वृक्षा स्वयं फलानी न खादंती। फिर कहा कि जो वृक्ष होते हैं वह भी अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं ठीक है नादंति सस्यम खलु यानी कि जो वारिवाहा हैं जो बादल होते हैं ठीक है तो बादल भी अपने द्वारा उगाए गए अन्न को स्वयं नहीं खाते ठीक है वारिवाहा खलु सस्यम ना न अदंती ठीक है न अदंती मतलब न खादंती तो वारीवाह यानी कि बादल अपने द्वारा अपने जल द्वारा जो सींचे गए वृक्षों का जो अनाज है जो फल है वो स्वयं नहीं खाते हैं इसी प्रकार से परोपकाराय शताम विभूतय उसी प्रकार से निश्चय ही सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं सताम विभूतय ठीक है परोपकाराय सताम विभूत यानी कि जितनी भी की जो जो भी कमाई होती है ठीक है वो सब किसके लिए होती है परोपकाराया तो श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि जिस प्रकार से नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते मेघ यानी कि बादल अपना अपने जल से जिन वृक्षों को सिंचित करते हैं उन वृक्षों का अनाज स्वयं नहीं खाते उसी प्रकार से सज्जनों की जो क्या होती है धन संपदा होती है संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती ठीक अगला श्लोक है मृक्षकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया यह एक नाटक है ठीक है मृक्षकटिकम नाटक है मृक्ष मृत मतलब होता है मिट्टी कटिकम सकटिकम मतलब होता है गाड़ी ठीक है मृत सकटिकम मतलब मिट्टी की गाड़ी तो चारू दत्त इसका नाटक का नायक है वसंत सेना उसकी नायिका है ठीक है तब वो अपने पुत्र को समझाते हुए कहता है कि गुण स्वे वही कर तब्य हम प्रयत्न पुरुष ही सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपी नैस्वर अगुण ही तो मनुष्यों के द्वारा सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए गुणस्वैव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुष ही सदा यानी कि पुरुषों के द्वारा हमेशा ही गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सामने वाले के दुर्गुणों को नहीं अपनाएं बल्कि उसके सद्गुणों को अपनाएं तो सद्गुणों को अपनाने का प्रयास हमें करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्योंकि गुणयुक्तोदरिद्रोपी नैश्वर्युण ही समह क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन भी ठीक है जो गुणों से हीन संपन्न व्यक्तियों के बराबर नहीं होता आप तो उनसे श्रेष्ठ होता है तो गुणयुक्तो दरिद्रो भी न ईश्वरयी अगुण ही समह ठीक है यानी कि गुणयुक्त जो दरिद्र भी है भले ही वो गुणवान है लेकिन वो धर्मवान नहीं है ऐसा दरिद्र व्यक्ति भी न ईश्वरयी ही अगुण ही समह यानी कि जो गुणहीन है और संपन्न व्यक्ति हैं उनके बराबर नहीं होता ऐसे मतलब है उनसे श्रेष्ठ होता है ठीक है इसलिए हमें गुणों के बारे में क्वालिटीज हमें दूसरों से लेनी चाहिए ठीक है अपनी क्वालिटीज को बचा के रखना चाहिए और दूसरों की क्वालिटीज देखनी चाहिए न कि उनकी कमजोरियां ठीक है कमियां बहुत सुंदर श्लोक अगला है नीति शतकम से नीति शतकम किसके द्वारा है भर्तृहरि के द्वारा रचित है ठीक है भर्तृहरि जी कौन थे एक राजा थे बाद में वो आ, सन्यासी बन गए ठीक है तो उनके द्वारा तीन शतक लिखे गए श्रृंगार शतक नीति शतक ठीक तो है और वैराग्य शतक तो नीति शतक का यह श्लोक है आरंभ गुर्वी क्षय लघ्वीरा दिन से पूर्वाध परार्ध भिन्ना छाएत्री खल सज्जना तो दुर्जनु आरंभ क्षयणी क्रमेणा लघ्वी पुरा बृद्धमती च पश्चात दिन से परार्ध भिन्ना छाए व मैत्री खल मित्रता के बारे में बता रहे हैं किसकी मित्रता दुष्टों की मित्रता और सज्जनों की मित्रता के बारे में बता रहे हैं कि दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता मध्यान्ह से पूर्व और मध्यान्ह की बाद की छाया के समान भिन्न भिन्न होती है आरम्भ पूर्वी क्षर्णी क्रमेणा यानी कि पहले बहुत गाढ़ी होती है क्षय क्रमेण और धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है ठीक है यानी कि इससे पहले जो अपनी या... दिन के पूर्वार्ध और दिन के परार्ध की बात कर रहे हैं यानी कि जब बारह बजे से पहले और बारह बजे के बाद की बात कर रहे हैं ठीक है आरंभ गुरु भी क्षयणीय क्रमेण यानी कि पहले एकदम तेज होती है और बाद में धीरे 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 कम हो जाती है यानी कि बारह बजे के बाद की बात कर रहे हैं बारह बजे तक तो बहुत तेज रहता है फिर धीरे धीरे कम हो जाता है लघ्वीपुरा वृद्धमति पश्चात और अब दूसरी बात कर रहे हैं कि जहाँ सुबह सूर्योदय में थोड़ी थोड़ी कम जब सूर्योदय होता है तो थोड़ा कम छाया रहती है धीरे 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 बारह बजे तक क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा छाया आने लगती है एकदम स्पष्ट छाया आती है ठीक है तो दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न उस दिन के पूर्वार्ध और परार्ध के समान ये जो मा मैत्री यानी कि जिस प्रकार से दिन के पहले बारह बजे से पहले और बारह बजे के बाद की मैं जो छाया होती है उसी के समान ये खल और खल मतलब दुष्ट सज्जन मतलब अच्छे लोगों की मित्रता होती है तो जो अच्छे लोगों की मित्रता होती है वो कैसे होती है कि आरंभ लघु भी पुरा च चा पहले छाया धीरे 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 कम होती है और फिर उसके बाद बढ़ते 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 रहती है लेकिन जो लोग जो दुष्ट लोग होती है उनके आरंभपुरबी पहले बहुत ज़्यादा होती है ठीक है छाया और बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है यानी कि सुख के समय पर वो हमारे साथ रहते हैं और दुख में जब होता है तब तो वो हमें छोड़ करके चले जाते हैं लेकिन भले ही सुख में हमारे साथ न दे सज्जन लोग लेकिन दुख में हमारे अवश्य साथ रहते हैं तो ऐसी हमारी मित्रता होनी चाहिए यानी हमें मित्र पहचानना आना चाहिए ठीक है कि वो पूर्वार्ध से पहले वाला मित्र है कि पूर्वार्ध के बाद वाला मित्र है ठीक है उसकी मैत्री कैसी है ठीक आगे कहते हैं कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालहि सह ठीक तो यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः ठीक हंसा मही हानिस्तु तरोवराण ये मराल ही सह विप्रयोग मराल ही मतलब हंसु के साथ ठीक है तो यत्रापि कुत्रापि गता भवे हंसा मही मंडल पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाए तो यत्रापि कुत्रापि मतलब जहाँ कहीं भी गता मतलब गए हों ठीक है हंसा मही मंडल मंडन आयो मही मतलब पृथ्वी मंडल मंडन आयो यानी कि उनकी शोभा को बढ़ाने के लिए तो पृथ्वी में जहाँ कहीं भी हंस चले जाएँ तो वहाँ उस पृथ्वी की उस भूभाग की क्या हो जाती है महिमा मंडन हो जाती है शोभा बढ़ जाती है ठीक है शोभा बढ़ जाती है किसी की कोई हानि नहीं होती कोई ऐसा नहीं कर सकता कि हंस आ गए तो हमारा हानि हो जाएगी ठीक है लेकिन हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम लेकिन हानि किसका है उन सरोवरों की है ये शाम मराल ही सहभिप्रयोग जिन सरोवरों से जिन तालाबों में रहने वाले उन हंसों से ठीक है उन सरोवरों का तालाब जो उन तालाबों का क्या है हानि है जिनकी उन किससे उन हंसों से क्या हो गया विछड़न हो गया है वियोग हो गया है उनका नुकसान है उसका उन हंसों का कोई नुकसान नहीं है भले ही वो कहीं भी चले जाएँ जहाँ वो जाएँगे वहाँ तो उस पृथ्वी की शोभा बढ़नी बढ़नी है नुकसान किसका है उस सरोवर का है जहाँ वो जिसको वो छोड़ करके जा रहे हैं <coughs> अगला श्लोक है ये किसका है भामिनी विलास एक काव्य है उस काव्य में से है ठीक है हितोपदेश तो हितोपदेश से अगला श्लोक है गुणा गुणज्ञेश गुणा ते निर्गुण प्राप्य भवंति दोषा आस्वाद यहाँ प्रवंति नद्य समुद्रपेय तो गुणागुणु गुणा बवती गुणा तो गुण जो हैं क्वालिटीज जो हैं वो गुणी व्यक्तियों में ही रहते हैं गुणागुण गुणा गुणावती यानी कि गुण जब तक गुणी व्यक्तियों में अच्छे व्यक्तियों में रहते हैं गुणियों में रहते हैं तो वो गुण रूप में विद्यमान रहते हैं निर्गुण प्राप्य ते निर्गुण प्राप्य दोषा भवं और वही गुण ठीक है जब गंदे व्यक्ति को गलत विचार वाले नेगेटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं तो वही दोष में परिवर्तित हो जाते हैं जिस प्रकार से आस्वाद तो यह प्रवहती नद्य जब तक जल नदियों में रहता है तब तक वह आस्वादु होता है यानी कि पीने योग्य होता है लेकिन समुद्रमासाद्यवंत्य पेय और जैसे ही वह जल जो अब तक पीने योग्य था नदियों में था वो समुद्र में पहुंचता है तो अपेय हो जाता है ठीक है तो इस प्रकार से हमें भी अच्छे विचार संग्रहित करने चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर की क्वालिटीज़ बढ़ें ठीक है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर जो अंदर क्योंकि सबके अंदर अच्छी चीज़ें हैं बस यह है कि हम कैसा सोच रहे हैं हमारे सोचने से हमारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं हमारे विचार बनते हैं ठीक है विचारों से फिर हम जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं ये सब चीज़ें तय होती हैं तो इसलिए हमें अपने विचार सही रखने चाहिए ठीक है तभी हम अच्छे क्वालिटी वाले व्यक्ति बन सकते हैं तो ये आज का जो चैप्टर था वो पूरा हुआ एक बार आप इनके शब्दार्थ देख लीजिए ठीक है वित्तम वृत्तम क्षीर्ण धर्म सर्वस्वम प्रतिकूलानी तुष्यंति वक्तव्यम वारीवाहा विभूत गुणयुक्त अगुण आरंभगुर्वी क्षयिब्धमती पूर्वार्धपरार्धि खल सज्जना महिमंडलमंडनाय मराल प्रयोग गुणेशु आस्वाद आसाद्यपेय च ठीक तो इस प्रकार से इन शब्दों के हमने क्या जाने शब्दार्थों को देखा अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी संधि युक्त शब्द आए हैं ठीक है थीके? प्रयास करूँगा कि उनको बताने का प्रयास आपको करें ठीक है तो सबसे पहले जो शब्द है ठीक है उसको जानने से पहले ठीक आप देख रहे होंगे वृत्त तस्तु ठीक है तो वृत्त तस्तु में जो शब्द है वो क्या बनेगा वृत्त ठीक है धन तु वृत्त धन तु वृत्त तस्तु ठीक है तो कौन सी संधि हुई इसको कहते हैं विसर्ग के बाद यदि वर्ग का कोई अक्षर आता है तो यानी त तो वर्ग का कोई अक्षर आता है तो उसको स हो जाता वृत्त तस्तु इसमें विसर्ग संधि हुई ठीक है आगे चलें आगे चलते हैं तो अगला शब्द है आत्मन पलिकूला चयधार्यता तो ठीक ही है प्रियवाक्य प्रदान तुष्यंत ठीक ही है तदेव वक्तव्य शब्द क्या है तस्मा तदेव वक्तव्य है न प्रियवाक्य प्रदान नर्वे तो्यंत वहाँ तस्मा तदेव तो इसको बनेगा क्या तस् ठीक है प्लस तदेव तो तस्मा तदेव बना तो के स्थान पर द हो गया ठीक है तस्माद् तदेव तृतीय वर्ण परिवर्तन तो आगे चलते हैं पिबंत नद्य स्वयम अचित नास्ती है ठीक अब बहुत महत्वपूर्ण क्या है गुणस्वेव गुणस्वेव है ना तो कौन संधि होगी किसी को समझ में आ रहा है गुणेशु गुणेशुसंधि धन एव धन एव सु में वो है वह के बाद ए है तो असमान स्वर है उ के बाद ए ठीक है इसलिए ऊ के स्थान पर वह हो गया सौ आधा बज गया उसमें ए मिल गया तो गण गुणस्वे व कर्तव्य बन गया ठीक है दरिद्रोपी शब्द क्या है दरिद्रोपी तो दरिद्र ये भी क्या होता है कौन सा संधि है स्वर संधि है ठीक है स्वर संधि का पूर्व रूप संधि होती है जिसमें ओ के बाद क्या हो जाता है अपी अ आना पर उसका अवग्रह जैसे एस दिख रहा ना वो हो जाता है ठीक है दरिद्र धन अपी तो इसमें पहले कौन सी होगी पहले विसर्ग संधि होती है उसके बाद इसमें ये वाली संधि होती है ठीक है दरिद्रोपी बन जाएगा दरिद्र धन अपी दरिद्रो धन अपी दरिद्रोपी बन गया ठीक आगे चलते हैं आगे इसमें कोई स्वर संधि हाँ भवंत पेय अंतिम शब्द क्या है भवंत पेय माशाद्य भवंति पेय है ना क्या बनेगा भवंती धन अपे ठीक है तो भवंति धन अपे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ती के स्थान ती में जो ई है ई के बाद असमान स्वर है ई के स्थान पर य हो गया ठीक है तो तो आधा बज जाएगा भवंत्य फिर फिर क्या होगा उस यौ में अ मिल जाएगा भवंत पेय बन गया ठीक है तो ये कुछ संधियाँ थी जो मैंने आपको बताई तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं कल पुनः इसी पाठ के अभ्यास को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होंगे तो आशा है आप सबको यह शक्तिमौक्तिक नामक चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा इसकी जो कुछ अच्छी बातें हैं उनको हम अपने जीवन में धारण करें जिससे कि हमारा जीवन और समृद्ध और उच्च कोटि का बने इसी के साथ आज का चैप्टर ही समाप्त करते हैं धन्यवाद